ये सॉलिड स्टेट शॉर्ट वेव डायथर्मी है, कॉन्टिन्यूस मोड में 500 वॉट और पल्स मोड में 1000 वॉट। दीज आर द स्पेसिफिकेशन, और इसमें ऑलरेडी 35 प्रोग्राम्स, प्री प्रोग्राम्स हैं विद द नेम ऑफ डिजीज। ये मशीन स्विच ऑन करी, ये मैनुअल मोड है, इसमें आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर जाके सपोज आई जस्ट सेट इट फॉर 17 मिनट्स। उसके बाद आप मैनुअल मोड में कॉन्टिन्यूस पल्स अपने अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए वो रख सकते हैं। आई एम सेलेक्टिंग इट एज कॉन्टिन्यूस। यहां से मैंने इसको स्टार्ट करा स्टार्ट स्टॉप बटन से, टाइमर स्टार्ट हो गया और इंटेंसिटी नाउ आई एम इंक्रीजिंग। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है आप देख सकते हैं, ये मैंने वायर्स के थ्रू इसका पैड कनेक्ट कर रखे हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है। इसके ऊपर मैंने एक CFL कोटेड ट्यूब रखी है। जब डायथर्मी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो वो इस ट्यूब के थ्रू पास कर रही है, इसके इलेक्ट्रॉन्स की कोटिंग को यू कैन सी के इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने शुरू हो रहे हैं और वो लाइट आ रही है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेव्स द इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एक्साइटेड एंड प्रोड्यूसिंग। ये देखिए आप, ये उसके रेंज से दूर जा रहा है तो, और यहां आते ही ये लाइटनिंग शुरू हो गई है। जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, ग्लो की इंटेंसिटी, पावर बढ़ रही है। ये ट्यूब जो है मैंने दिखाने के लिए कि वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो रही है और कितनी पावरफुल है इन ट्रीटमेंट। अगर इस ट्यूब को मैं हटाता हूँ, इफ आई एम पुटिंग एनी बॉडी पार्ट ओवर हेयर, सो आई विल गेट द हीट जनरेटेड इन माय हैंड। यू कैन गिव द ट्रीटमेंट फॉर 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 25 मिनट्स अकॉर्डिंग टू द नीड। सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग दैट पावर टेबल मॉडल and I'm just showing the programs in the same. When I increase the same, program number one is coming and the modes in the same and the disease name is also coming. You can see over 35 programs like that. This is third one, this is fourth one, this is fifth one. These are already pre-programmed. You have to just select the disease and increase the intensity according to patient. So I'm just stopping the same. I'm just starting it and stopping.